नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करते हैं भारतीय नोट और सिक्कों के बारे में। आज हम जिन रुपयों का प्रयोग करते हैं उनका चलन हमारे भारत में सदियों से चला आ रहा है। फर्क इतना है कि 18वीं शताब्दी से पहले हमारे भारत में मुद्रा के तौर पर सोने और चांदी का सिक्का प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन जब ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में व्यापार के लिए आई तब उन्होंने अपने सहूलियत के लिए कागजी मुद्रा का चलन शुरू किया। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा को बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी किया था। जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी का व्यापार बंगाल से बढ़कर मुंबई और मद्रास पहुंचा, वैसे वैसे बैंकों के स्थापना का काम शुरू हुआ और 1773 में बैंक ऑफ बंगाल और बिहार का स्थापना किया गया। ऐसे ही 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना किया। आपको बता दें कि इन तीनों स्टेट बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास को मिलाकर प्रेसिडेंसी स्टेट कहा जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे बैंकों की संख्या में वृद्धि हुआ और कागजी मुद्रा का चलन आम हो गया। 1861 में विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत एक कागजी मुद्रा जारी किया गया। इस नोट पर महारानी विक्टोरिया की एक छोटी तस्वीर लगी हुई थी। फिर 1923 में किंग जॉर्ज पंचम के चित्र वाली नोट जारी किया गया। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रुपया जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1938 में पहली बार रुपया जारी किया। तब से लेकर अब तक भारत में रुपया जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास ही है। आधुनिक भारत के रुपये का इतिहास 1947 के आज़ादी के बाद शुरू होता है। आज़ाद भारत द्वारा जारी किया गया पहला नोट 1 रुपये का था। इस नोट पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया गया था। ऐसे ही धीरे धीरे नोट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। एक समय गेटवे ऑफ इंडिया और बृहदेश्वर मंदिर का भी चित्र अंकित किया गया था। 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय नोट पर जारी किया गया। फिर 1987 में महात्मा गांधी 500 के नोट पर भी देखे गए। 1 रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। इसके अलावा भारत के सभी नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और इस नोट पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। भारतीय नोट पर 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 9 अक्टूबर सन 2000 को RBI ने महात्मा गांधी सीरीज के 1000 के नोट जारी किया। फिर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के कारण महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया। RBI ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। आइए अब बात करते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। भारत में 4 जगहों पर नोट की छपाई की जाती है। 1928 में पहली बार नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया। इससे पहले भारत के सभी नोट को बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपवाकर मंगाया जाता था। देवास प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना 1974 में किया गया। फिर 1999 में मैसूर प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया और अंतिम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सालबोनी में सन 2000 में किया गया। आइए अब बात करते हैं कि इन नोटों के प्रिंटिंग में कितने का खर्च आता है। 1 RTI के मुताबिक 10 रुपये के एक नोट को छापने में 96 पैसा का खर्च आता है। 20 रुपये के नोट में 95 पैसा, 50 रुपये के नोट में 1 रुपये 13 पैसा, 100 रुपये के नोट में 1 रुपये 77 पैसा, 200 रुपये के नोट में 2 रुपये 37 पैसा, 500 रुपये के नोट में 2 रुपये 29 पैसा और 2000 रुपये के नोट में 3 रुपया 53 पैसा का खर्च आता है। आपको बता दें कि 2019 से 22 के बीच में 2000 रुपये के एक भी नोट का प्रिंटिंग नहीं किया गया है। आइए अब बात करते हैं भारतीय सिक्कों के बारे में। सिक्का जिस जगह पर बनता है उसको टकसाल या मिंट कहते हैं। भारत में 4 जगहों पर सिक्का की ढलाई की जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि इन सिक्कों के बनाने में कितने का खर्च आता है। आपको बता दें कि 1 रुपये का सिक्का बनाने में 1 रुपया 11 पैसे का खर्च आता है। वही 2 रुपये का सिक्का बनाने में 1 रुपया 28 पैसे का खर्च आता है। वही 5 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपया 69 पैसे का खर्च आता है और 10 रुपये का सिक्का बनाने में 5 रुपया 54 पैसे का खर्च आता है।
हमारे भारत में चार जगहों पर सिक्का का निर्माण का काम किया जाता है, नोएडा, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में। और हर सिक्का को पहचानने के लिए एक अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नोएडा में बने सिक्का के सन के नीचे आपको डॉट देखने को मिलता है, वही कोलकाता में बने सिक्का के सन के नीचे आपको ब्लैंक देखने को मिल सकता है, मुंबई में बने सिक्का के सन के नीचे आपको डायमंड शेप देखने को मिलता है, और हैदराबाद में बने सिक्का के सन के नीचे आपको टूटा स्टार देखने को मिल सकता है। यदि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।